बच्चों, मेरा नाम है छाया प्रतिभा खेलवार। आप लोगों के बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती है आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। तो बच्चों, आज हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक अंक वाले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप लोग मुझे ये बताओगे कि आप लोगों की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। आशा कर रही होंगी कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में हो, लेकिन प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है भाई। साल भर से पढ़ा नहीं तो क्या हुआ, हम है ना आप लोगों के साथ में। तो हमारे साथ जुड़ करके आप बहुत ही मजेदार तरीके से आप स्टडी करोगे। और तो आप लोगों को तो पता ही है, मैं तो हूं ही, तो मेरे साथ आप जुड़ करके जीव विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे अंदाज से और हमारी पूरी अभिप्सा टीम के साथ जुड़ करके बहुत ही एकदम ऐसे अंदाज से पढ़ोगे कि आप लोगों को लगेगा कि ये खेल है। पढ़ाई को प्रेशर मत लो, पढ़ाई को ये लो खेल है कि यार चुटकियों में हम कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो भाई आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये है कि आप अभी तो बुक तो थोड़ा देर के लिए तो बंद कर दो, क्योंकि आप साल भर से तो वही तो किए हो, बुक उठा करके बस घसीटा मारे हो। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ करके आपको अभी बुक नहीं खोलना, सिर्फ और सिर्फ याद रखोगे क्या कि बस चुटकियों में कैसे किसी क्वेश्चन आते कैसे हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है। तो भाई जुड़े रहिए आप मेरे साथ, अभिप्सा की पूरी टीम के साथ। तो आप आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं, पहले तो आप छलांग मार रहे हो 2022 से 2023 की ओर। तो पहले भी मेरे लेक्चर में आप लोग देखे होंगे ब्लूप्रिंट, जो कि एक आधार था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हो भाई लोग, समझे ही होंगे। तो अब देखेंगे हम कैसे कि आगे वाले 2023 के लेक्चर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आधार हमने पढ़ लिया, ब्लूप्रिंट आपको देखना जरूरी है, और नहीं भी देखे हो तो पहले वो देखो, उसके बाद ही आप इधर आओगे कि अब आपको पता चलेगा कि एक एक अंक के क्वेश्चन कैसे आते हैं। दो दो अंक मैंने बताया ना, बताया कि नहीं बताया कि मुझे कमेंट करके बताते जाओ भाई। ठीक, तो आज हम क्या देखने वाले हैं भाई, मिशन हमारा क्या है 2023, और हम आ गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। हम है ना भाई, मैं हूं ना, मैं तो हूं भाई, जीव विज्ञान की तैयारी अभिप्सा पूरी है ना। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों तैयार हो जाओ हमारे साथ। तो स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले उस 70 मार्क्स के लिए हमको दौड़ना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा उसको पाने के लिए, क्योंकि 75 का जमाना गया रे, हम आ गए हैं 70 पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की तैयारी हमारे साथ करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट, तो बच्चे यहां याद रखोगे यूनिट फर्स्ट जो कि एक अंक वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो एक अंक के आपको मैं पहले भी एक चीज आपको बताती जाती थी जब मैंने ब्लूप्रिंट बताया था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो चेंज हो जाते हैं हर साल। एक अंक वाले जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाते हैं भाई। तो यहां पर हमको क्या करना है कि किस टाइप से एक अंक वाले पूछे जा सकते हैं, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहां स्टार्ट करेंगे एक यूनिट फर्स्ट, एक अंक वाले क्वेश्चन जो कि यूनिट फर्स्ट में चार चैप्टर आते हैं, और चारों चैप्टर में आपको पता है जीव विज्ञान में जनन, पुष्पी, पादपों में, पूरे जनन से चैप्टर है भाई, पूरे जनन का ही क्वेश्चन है। तो आप, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है जनन, आपका क्या है वो तो आप ही लोग जानोगे, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। तो जनन जो है पुष्प में, मानव में, और जनन स्वास्थ्य के बारे में यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले यूनिट की हम बात करेंगे कि कैसे एक एक अंक के क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरीके से आते हैं और कैसे लिखना है, यही आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है, पहला क्वेश्चन है एक अंक वाला। अब बच्चे एक चीज और है, मैं एक वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी कि लिखने का पैटर्न, लिखने का तरीका कैसा होता है, आप एक अंक के क्वेश्चन को कैसे लिखते हो, दो अंक के क्वेश्चन कैसे लिखते हो, क्या क्या लिखने चाहिए, मैं आपको पूरा बताने वाली हूं जीव विज्ञान में क्या लिखना है और कितना लिखना है। ठीक है, तो पहले तो आप देखते हैं कि एक एक अंक वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बाद मैं सारी चीजें बताते जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आगे की जानकारी आपको पूरा मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जीवन अवधि से क्या तात्पर्य है बच्चे, जीवन अवधि, भाई जीवन अवधि क्या चीज है, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये आ गया आपका जीवन अवधि, और इस जीवन अवधि से क्या तात्पर्य, जन्म से मृत्यु तक का हमारा जो सफर होता है यही तो जीवन अवधि है भाई। मैंने जन्म लिया और थोड़ा सा मैं बड़ा हो, मतलब एक एज के बाद आप क्या होते हैं, बड़े होते जाते हो, फिर एक एज के बाद बुढ़ापा आता है, उसके बाद आप क्या होते हो, परलोक पधार जाते हो, तो वही कहलाता है क्या, जीवन अवधि कहलाता है बच्चे। मतलब
जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है वही क्या कहलाएगा, वही तो जीवन अवधि कहलाएगा। मतलब उसके जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जीवन जो काल है वही क्या कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाता है। इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा, भाई सबकी जीवन अवधि है, कोई ऐसा नहीं है कि बस हमेशा के लिए आपको जिंदा रहना है, मेकअप मार मार के जीवित रहना है, ये मत करना ठीक है। लड़कियां सुन लो भाई, हमारा मेकअप का ही काम है। चलो आगे देखते हैं, क्लोन किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन दो नंबर में भी आते हैं। देखो जितना पूछा उतने का आपको आंसर देना है, ठीक है, जो पूछा उतना आंसर दो। आगे फलाना ढकाना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तीन पांच नहीं करना, आपको नाचना नहीं है यहां पर, ठीक है, कि भाई मुझे तो आ रहा है चलो इसको भी लिख दूं उसको भी लिख दूं, ये काम नहीं कर रहे भाई, ठीक है। आपको जो पूछा उसका आंसर लिखो, दैट्स इट, खत्म करो यहां पर, ठीक। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं हम, क्लोन किसे कहते हैं। तो एक जनन से जब देखो कोई एक ही जनक जो कोशिका होती है वो जब बच्चे उत्पन्न करती है, मतलब उसकी जो संतति होती है, मतलब देखो जस्ट अमीबा का लो, एक एग्जांपल देखते हैं अमीबा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखोगे तो आपको क्लोन समझ आएगा कि अमीबा। यहां पर देखिए हम एक डायग्राम बना देते हैं, यहां पर किसका आ जाते हैं भाई अमीबा के ऊपर, ये हमारा हो गया क्या, अमीबा हमने बना दिया। अब अमीबा जो होता है ये क्या है, ये है हमारा क्या, अमीबा है, ठीक है। और अमीबा जो होता है ये हमने क्या बनाया, अमीबा। अब बताओ जब अमीबा डिवीजन करेगी, ये कौन है, पेरेंट जी है, मतलब उसके पिताश्री हैं, और पिताश्री जब डिवीजन करेंगे, पिताश्री जब अपने संतान उत्पन्न करेंगे तो उनके संतान भी अमीबा होंगे। इतना तो क्लियर है ना, एक ही जनक सेल से दो संतति उत्पन्न हो गई, लेकिन वो जो संतति उत्पन्न होगी, हम चलो बना देते हैं भाई संतति को, ये हमने बना दिया एक अमीबा की संतति, ये हमने दूसरी अमीबा की संतति बना दिया, और दोनों ही अमीबा जो होते हैं हूबहू आकार में, उसके जेनेटिक में यानी कि अनुवांशिकी में, दोनों के दोनों किसके समान है, पेरेंट अमीबा के समान है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। समझ आ रहा है मैं जो कहना चाह रही हूं, मतलब कोई एक ही क्या है, पेरेंट है, पिताजी है, उनके जो बच्चे होंगे हूबहू मतलब एकदम उसके ही जैसे, किसके जैसे, पेरेंट के समान, तो उसी को हम लोग क्लोन कह देते हैं, यानी कि अकारकी रूप से, है ना, अकारकी रूप से, और हम बात करें अनुवांशिक रूप से, ठीक है, अनुवांशिक रूप से यदि हम बात करें तो दोनों में ही ये कैसे होते हैं, अपने ही पेरेंट के ही समान होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम कह देते हैं क्या, क्लोन कह देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, बताओ भाई। मेरा मतलब मेरा हार्ट बीट है, ये क्लोन मतलब मुझे इतना पसंद है, क्योंकि एक नंबर में भी क्वेश्चन आता है और दो नंबर में भी एकदम पूछा जाता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, हार्ट बीट है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है, इस क्लोन को, कि ये क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं क्लोन वाले, ठीक है। तो आप उठा के देख लो आंसर, आपको मिल जाएगा यहां से क्वेश्चन। नेक्स्ट हम अगर आए, नेक्स्ट यदि हम बात करें, कौन से कोशिका की बात करें भाई, चलो नेक्स्ट क्या है, प्रकंद द्वारा वर्धी प्रजनन किन पौधों में होता है, आपने पढ़ा हुआ है, याद रखो पहला यूनिट का पहला अध्याय, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कायिक जनन वाला चीज, याद है आप लोगों को, हमने पढ़ा हुआ है। यदि नहीं पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ना है मेरे साथ, तो आप मुझे कमेंट करें भाई, कमेंट करोगे तो आपको मैं सब चीजें दूंगी, आप कमेंट नहीं करोगे मेरे साथ जुड़े नहीं रहोगे तो फिर मैं आगे नहीं बता पाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये टॉपिक आपको समझना है, ठीक है। तो भाई क्या है, देखिए प्रकंद द्वारा, ये दिल तो शायद इसमें भी धड़क रहा है लगता है ना, तो हम आते हैं वापस से हमारे इस पर, है ना, चलिए ये आ गए हम प्रकंद द्वारा, है ना, प्रकंद द्वारा भाई कैसे करेंगे, प्रकंद द्वारा है तो प्रकंद और वृद्धि प्रजनन किन पौधों में होता है, तो हमने पढ़ा है अदरक आपको याद होगा, हल्दी याद होगा, है ना। तो
अदरक और हल्दी में वृद्धि प्रजनन जो होता है, अब यहाँ पर आते हैं वृद्धि प्रजनन, शरीर पौधे के शरीर के किसी भी हिस्से से यदि, जैसे हम बात करते हैं चलो पत्ती के, आपने सुना ही होगा पत्ती पत्ती से भी क्या होता है, जड़ निकलता है और जड़ से एक नया पौधा होता है। पूरा पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे भाई, मैं यहाँ पर सिर्फ एक नंबर वाले आंसर को बताने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि लिखना कितना है, आंसर इतने में कंप्लीट होना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अदरक और हल्दी इसका आंसर अगर पूरा पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल है वहां। उभयलिंगाश्रयी यानी कि मोनोसियस पादपों के दो उदाहरण दीजिए। अब ये मोनोसियस क्या है भाई, यानी कि उभयलिंगाश्रयी, जिसमें मेल और फीमेल, ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों एक साथ उपस्थित है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उभय लिंगाश्रयी कह देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एग्जाम्पल पूछा है, एग्जाम्पल पूछा तो सिर्फ वो लिखो, आगे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुकुरबिटा और नारियल दोनों कैसे हैं, उभय लिंगाश्रयी होते हैं, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, तो क्या है भाई, जू स्पोर्स द्वारा प्रजनन करने वाले एक शैवाल का नाम आपने देखा होगा, क्लेमाइडोमोनास, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज याद होना चाहिए और याद भी होगा मुझे लगता है, और नहीं होगा तो कमेंट करें, इसका भी मैं पूरा वीडियो बनाते जाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां याद रखेंगे जू स्पोर द्वारा प्रजनन करने वाले जीव कौन से हैं, तो है आपका क्लेमाइडोमोनास। डायग्राम आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा देख लो भाई, ठीक है। देखो डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहता है क्लेमाइडोमोनास का, जिसमें आप देखोगे, ये मैंने कोई कलर अच्छा से ये चॉइस है, बेटे ये सही ज्यादा जा रहा है तो ये करते हैं भाई। देखो क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है और यहां पर से कुछ ऐसा निकला होता है, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास है और क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम देखोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे सेल्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये है क्या है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। यही आपका जू स्पोर है, जो इस पर चलने के लिए जो हेल्प करता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, क्लेमाइडोमोनास है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये क्या आपका क्लेमाइडोमोनास, कुछ ज्यादा ही अच्छी राइटिंग बन गई ये लगता है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें कशाभिका युक्त बीजाणुओं को क्या कहते हैं भाई, बात आई आप ही लोग बताओगे। कशाभिका युक्त बीजाणु है उसको हम लोग जू स्पोर कहते हैं, और जू स्पोर द्वारा प्रजनन करने वाला शैवाल कौन है, शैवाल कौन है, तो क्लेमाइडोमोनास भाई। यही रुको, इतना सा नहीं पढ़ा तो फिर क्या है, ठीक है। अब पढ़ो, अब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम आ गया, तो सभी नहीं पढ़ो तो एग्जाम आ गया, उसमें ही पढ़ोगे आप लोग, ठीक। तो चलो, पादप के लैंगिक प्रजनन अंगों को छोड़कर, है ना, लैंगिक प्रजनन को छोड़ दिया हमने भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप शरीर का अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति कार्य करता है तथा विभाजित होकर नए पौधों को जन्म देता, भी बताई थी काईक की बात, याद होगा आप लोगों को। तो काईक या वृद्धि प्रजनन कहलाता है बच्चे, याद ही होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा ना प्लांट के यानी कि पौधों के किसी भी हिस्से से, पौधे के किसी भी हिस्से से यानी जड़ हो तना हो पत्ती से एक नए पौधे की वृद्धि हो जाती है, एक पौधा नया बन जाता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काईक या वृद्धि प्रजनन कहते हैं, ठीक है। नए संतान को उत्पन्न करना, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे, क्या क्वेश्चन आ गया भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो सेकेंड यूनिट आते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की हम बात करें, तो इसमें क्वेश्चन आता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पिछले साल के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, हर साल ऐसे तो चेंज होता है, मैं पहले से भी रिपीट करती हूँ, इसलिए भाई थोड़ा सा आपको इसमें होशियार बनना पड़ेगा, थोड़ी स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हर साल ये एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी है, ठीक। चलिए, तरण भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, भाई तरण भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, नारियल में। नारियल खाते हो कि नहीं खाते, तो नारियल में आप देखे होंगे कैसा है, तरल होता है भ्रूणपोष, तो वो क्या आंसर आएगा इसमें, नारियल आ जाएगा। अनुमिल्य पुष्प किसे कहते हैं, तो ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते, वही तो कहलाते हैं भाई अनुन्मूल्य पुष्प, ठीक है। उन्मूल्य पुष्प, अनुन्मूल्य पुष्प पढ़ा हुआ है ना, उदाहरण याद रखना, कोमली ना, तो वो एक दिन देखे नहीं, वो एक सीरियल आता था कोमली खा, तो सेम वही वाला किस्सा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। वो कभी नहीं खुलती है, वो तो वैसे भी
खुलती नहीं, उसका निगेटिव रोल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण के बाह्य चरण में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, बताओ भाई। बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या पता ये सीजी बोर्ड वालों को क्या इसमें मतलब दिल लगी हो गई है इन लोगों को, कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बाह्य चोल मतलब परागकण का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, और मुझे आप लोग बताओ भाई, अगर नहीं पढ़े तो इसको भी डिटेल बताऊंगी। तो ये है आपका क्या है, परागकण का स्ट्रक्चर है, और परागकण का स्ट्रक्चर देखोगे तो बाहर का जो आवरण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, बाह्य बाह्य चोल बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई, इसको हम कहते हैं बाह्य चोल कहते हैं, अंदर को अंतः चोल कहते हैं, एक्साइन और ये एंटाइन, अंतः चोल कहा जाता है इसको, और अंदर में होता है जनन कोशिका, जिसके अंदर जनन केंद्रक होगा, इधर वर्धि कोशिका और यहां पर वर्धि। इसको और डिटेल अच्छे से डायग्राम बना करके बताई हूं मैं, मेरे एप्लीकेशन में पूरा आपको डिटेल मिलेगा, बस जो पूछा उतने का आंसर हमको देना है। फिलहाल तो परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ है, तो बाह्य चोल ये हुआ, और बाह्य चोल बना होता है किससे, स्पोरोपोलेनिन। क्या कहते हैं बेटा इसको, स्पोरोपोलेनिन, किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और ये स्पोरोपोलेनिन करता क्या है, तो क्या करता है भाई, सबसे पहला बाह्य ताप दाब, ठीक है, पीएच, इससे क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये क्या है, स्पोरोपोलेनिन। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। देखो ये लिखा है, यह कठोर प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है जो रक्षा करता है, रक्षा कवच है। नेक्स्ट देखते हैं, परागण किसे कहते हैं, परागण क्या है भाई, चलो भाई देख लेते हैं भाई परागण क्या होता है। यहां पर हमने एक पेज ऐड किया, और परागण की प्रक्रिया क्या होती है, तीन नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो नंबर के भी आते हैं, इसको आगे और डिटेल बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल तो बस इतना याद रखिए कि परागण होता क्या चीज है। तो परागण की जो प्रक्रिया है, ये हमने एक चीज बनाया, उसको पहले देखो, ये हमने एक फ्लावर बना दिया, ठीक है, और इस फ्लावर में क्या होता है भाई, फ्लावर का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, तो ये हो गया हमारा फ्लावर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं बाह्य दल, ये हो गया हमारा बाह्य दल हो गया, और इसको बाह्य दल हो गया, और ये हो गया दल हो गया, ठीक है, कैलेक्स करोला, जानते ही होगे आप लोग, सेपल पेटल है ना, तो बाह्य दल चक्र है, ये दल चक्र है, और इसको हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम पुमंग, इसको ऐसे बना देते हैं, चलो ये हो गया आपका क्या, पुमंग हो गया, और इधर हम बना देते हैं क्या, ये जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पुमंग हो गया, पुमंग, और ये हो गया क्या आपका जायांग, जा या ग, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं बता क्या रही हूं, परागण की प्रक्रिया क्या होता है, तो ये हो गया पुमंग, यहां पर होता है पराग कण, ये हम बना देते हैं, दूसरे कलर से बनाऊंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये हो गया पराग कण, पराग कण का, ठीक है, पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना, ठीक है, परागण की क्रिया कहलाती है। पराग कण का देखो ऐसा भी कह सकते हो, पराग कोष से निकलकर पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना, ये क्या कहलाता है, परागण की क्रिया कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करती हूं, पराग ये क्या है, पूरा है पराग कोष, ठीक है, ये क्या हमने लिखा, पराग कोष से निकलकर, पराग कोष से निकलकर पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना, वर्तिकाग्र पर जाना, इसी को कहते हैं क्या, परागण कहते हैं, ठीक है, ये हो गया, इतना ही लिखना है आपको, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, और यही कहलाता है क्या, परागण की प्रक्रिया कहलाती है। समझ आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसका अगर पूरा डिटेल पढ़ना है तो प्लीज करके मेरे पास मैसेज कर दो, यहां पर आप कमेंट में वहां पर लिखो, मैं पूरा देख लूंगी, आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, परागण की प्रक्रिया हमारी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट देखते जाते हैं हम क्या, मानव जनन, ये अच्छा टॉपिक यहां से बनता है। स्तनियों में निषेचन कहां होता है भाई, अंडवाहिनी में होता है, हमको पता है अंडवाहिनी में होता है, डायग्राम से भी दिखाऊंगी। मानव निषेचन कहां होता है, वो भी अंडवाहिनी में होता है, ये भी हमको पता है। तो अंडवाहिनी में आपको ये देखने के लिए एक पेज फिर से हम यहाँ ऐड करते हैं, और देखो यहां पर हमने एक पेज, यहां चला गया हमारा पेज भाई,
चलो चलो आगे देख लेते हैं हमारा पेज कहाँ है। ठीक है, तो चलो अभी हमने क्या बात की, मानव जनन के बारे में बात की। तो मानव जनन के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला आता है क्या, निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है। तो निषेचन होता है भाई मादा में, होता है ना, मादा प्रजनन अंग में। तो मादा प्रजनन अंग का अगर हम डायग्राम बना दे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां होता है भाई। चलो देखियो, ये है आपका क्या, मादा प्रजनन अंग। ठीक है, और मादा प्रजनन अंग में क्या होता है भाई, ये हो गया आपका फिम्ब्री। ठीक है, आगे चलो भाई, फिम्ब्री बना देते हैं, ये फिम्ब्री हो गया, और यहां से हम बना देते हैं क्या, अंडाशय। ये अंडाशय बन गया जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। पढ़ाई है ना आप लोगों ने, थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मानव रिप्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप ध्यान देंगे, ये है हमारा क्या, अंडाशय है। ये क्या है, अंडाशय, जहां पर अंडाणु का निर्माण, ओवम का निर्माण होता है। ये ओवरी है हमारा, यहाँ से ओवम का निर्माण होता है। और फिम्ब्री है ये हमारा क्या है, इसको झालर भी कहते हैं, फिम्ब्री। ठीक है, फिम्ब्री है, और फिम्ब्री अंडाणु को पकड़ता है। पकड़ने के बाद ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर यहां से यहां तक का जो भाग है, इसी को कहते हैं क्या, अंडवाहिनी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। ये मादा मादा प्रजनन अंग है, और मादा प्रजनन अंग में एक अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है। ये पूरे भाग को कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। ये आगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आगे भी बताऊंगी इसको। ठीक है, अच्छे से डिटेल बताऊंगी, लिख करके रखूंगी आप लोगों के लिए कि कितना लिखना है। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। आगे देखिए, तो पूछा है कि निषेचन कहां होता है, तो आपको याद रखना है ये है निषेचन अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, अब यहां पर याद रखो कि फिम्ब्री, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इसे कहा जाता है बच्चे, और इस इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम उसके बाद आता है आपका यहां पर जिसको हम कहते हैं एम्पुला, और इसको कहते हैं हम इस्थमस कहते हैं। और इन दोनों के बीच में अंडाणु, ये फिम्ब्री पहले पकड़ा फिर ऊपर जाएगा, और अंडाणु कहां चला जाता है, एम्पुला इस्थमस के बीच में। ठीक है, एम्पुला इस्थमस के बीच में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इस जंक्शन पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो अंडवाहिनी इसका बेस्ट आंसर है। तो स्तनियों भी निषेचन अंडवाहिनी में ही होता है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, मनुष्य में गर्भावस्था अवधि कितने दिनों की होती है। तो भाई याद रखना आपको 280, देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चीज को आपको याद रखना, ये एनसीईआरटी वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन भी उठा देते हैं। हम तो सीजी बोर्ड वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो भी सीजी बोर्ड में कुछ हद तक डाल दिया जाता है, तो फिर आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका गर्भावस्था किसे कहते हैं। तो निषेचन से शिशु के जन्म के बीच जो आपका जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, यानी कि निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो निषेचन के बाद शिशु से जन्म, 9 महीने का जो समय अंतराल होता है प्रसव तक का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। इतना लिखना एक नंबर कहीं नहीं गया आपके हाथ से। ठीक है, पूरा आपको मैं हूं ना, मैं पूरा दिलाऊंगी आपको, 70 में 70 नंबर दिलाऊंगी, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप अच्छे से मेरे लेक्चर को देखते रहिए। जहां पर आपको डाउट लगता है आप कमेंट कर दीजिए, मैडम इसका भी डिटेल कर दो, इसका भी डिटेल कर दो, मैं वहीं पर आ जाऊंगी। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, और पूरा डिटेल पढ़ना है, तो मेरा एप्लीकेशन भी वहां पर भी आपको सब कुछ मिल जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं 4th चैप्टर की तरफ, जो कि है जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य में आता है क्वेश्चन ZIFT का पूरा नाम भाई आप सबको पता है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हिंदी का तो महाभारत दिया हुआ है, आप नहीं समझ पाओगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको इसको याद रखो, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इससे ज्यादा कुछ, और सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। और यहां से हर साल, और मैं तो इस साल भी कहती हूं कि 2023 में लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो, यहां से क्वेश्चन 2023 में आने की संभावना पूरी है।
और यहीं से आएगा लिख के ले लो मेरे से, साइन कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहां से याद रखना, आपको फुल फॉर्म को पूरा याद रखना है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। IUCD का पूरा नाम लिखे तो इंट्रायूरिक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, बहुत बार मेरे स्कूल के बच्चों को बहुत पढ़ाई हूँ, रटवा डाली हूँ पूरा इसको बोल बोल करके इसके नाम को, ठीक है। तो इसको ज्यादा अच्छा है एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। अभी का टाइम कैसा है, नोट्स अपन अब पूरा नोट्स तो नहीं बना सकते, लेकिन जितने क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, टाइम बांध लो। स्ट्रेटेजी बताऊंगी आप लोगों को कैसे पढ़ना है, अब फिर तो अभी तो क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। चलो, RCH का पूरा नाम ये भी आ गया था, पता नहीं इसको कैसे दे दिया भगवान जाने, पर ये आ गया भाई, अचानक भैरव कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहां याद रखेंगे इसका पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्रामिंग, ठीक है। इतनी चीज को आपको लिखना है RCH को, कभी बच्चे पढ़ते नहीं है, लगता है कि आएगा ही नहीं, लेकिन आ जाता है ऐसी चीज भी, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है MTP, ठीक है। मैंने एनालिसिस के क्वेश्चन में तो ये ऐसे जो क्वेश्चन है जो फुल फॉर्म वाले हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में लिखना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोर्थ का, और यहां से ज्यादातर क्या बीमारी होता है, क्या डिसीज होता है, सेक्सुअल से क्या डिसीज होता है, सिर्फ उसी के बारे में दिया है। बंधित क्या, मैं आगे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरा डिटेल करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई, CDRA का फुल फॉर्म, ज्यादातर इस चैप्टर में फुल फॉर्म ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो रट्टा मार लो भाई फुल फॉर्म को, अच्छे से याद कर लो। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च आपका क्या है, इंस्टीट्यूट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है STD, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं बच्चे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो ये STD का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जिसको हिंदी में यौन संचारित रोग कहा जाता है। HIV/AIDS तो नहीं बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्योंकि सबको ही याद होगा HIV का फुल फॉर्म, और नहीं है तो भाई देख लो भाई, लिख के रख लो। कई तो ऐसे भी होंगे जिसको पता भी नहीं होगा, मुझे लग रहा था कि पता है, लेकिन कुछ बच्चे को तो पता ही नहीं है, पूछती हूँ तो हाँ मुंह फाड़ देते हैं। चलो, HIV है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, याद रखेंगे HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स रोग होता है, ठीक है। एड्स रोग एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको रट लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, सब स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। चलो, मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर के शुक्राणु नलिका को काट कर बाद में क्या कहलाता है, तो इसको हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। देखो, अगर नर में क्या होता है, जैसे ये हो गया अपना शुक्राणु, जैसे ऐसा बना देते हैं, ऐसे कुछ बना देती हूँ अभी, ठीक है। इसको आगे डिटेल में बताऊंगी, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हलवे में नहीं लेना है। तो ये आपका क्या है, ये वृषण है, तो वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, हमको पता है वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, और शुक्राणु बनने के बाद ऊपर में कहां चला जाता है, शुक्र नलिका, शुक्राणु नलिका में चला जाएगा, वासा डिफरेंशिया में चलेगा, उसको शुक्राणु नलिका को ही काट कर हम क्या कर देते हैं, बांध देंगे, ताकि निषेचन की प्रक्रिया ना हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, इस विधि को हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी कहते हैं। सेम प्रोसीजर एक और आता है, मानव में शल्य क्रिया द्वारा मादा के अंडाणु, आप यहां पर कह सकते हो क्या, मादा के अंडवाहिनी को काट कर बांधना, इसकी जगह एक और प्रश्न बन जाएगा, अंडवाहिनी को काट कर बांधना क्या कहलाता है, तो यहां पर क्या लिखोगे, ट्यूबेक टॉमी कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते जाते हैं बेटा, आपको इससे और ज्यादा आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल जानना है, तो आप मेरे एप्लीकेशन पर आकर जुड़े और पूरा आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन एग्जाम सीरीज, देखिए अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस, यहाँ पर पूरे अभिप्सा की एक पूरी टीम खड़ी हुई है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। अच्छे ज्यादा से ज्यादा इसमें आप फोकस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कमेंट करें जहां पर कोई दिक्कत है, ठीक है, हम आपके लिए क्या है, तैयार है। तो आई होप ये चीज आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरे साथ जुड़े होंगे, तो आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, तब तक के लिए आजाद कीजिए मुझे, धन्यवाद।